मैम यहाँ पे एक मैम एक मिनट ओके मैम चलो चलो आ जाओ ओके मैम चलो जाने दो इसके लिए वेट कर रहे हो यहाँ पे भी छुट्टी है कौन से हाँ सर रुकाना समझा ले जाओ आइए मैम कम मैम हेलो शगुन जी वन मोर ईशा जी वन मोर या डन गाइस थैंक यू हाँ ठीक है चलो एक सोलो सोलो कर ले थैंक यू शगुन जी पानी से निवेदन करूंगा कि ईशा कोटिकर जी का स्वागत जो है ओके देकर आप करें प्लीज यहाँ बस्ती देनी चाहिए दोस्तों बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा थैंक यू महाराष्ट्र के ट्रांसजेंडर बहनों का पेट भरेगा इसलिए दो शब्द बोल के मैं अपने आप को विराम करती हूँ और इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस बोर्ड में जरूर खा जय हिंद जय बहन मिली और इन्होंने हमें वहाँ से हमारी आंखें खोली कि हमारा भी एक कोई हमारा भी एक संसार है किसी भी और चीज़ों को लेकर कि हमारी पब्लिसिटी हो या हमारा कुछ ऐसा हो पर हम ये चीज़ें बाहर लाना चाहते हैं हम अपने अपने बहनों को अपने किन्नर बहनों को उनका सम्मान दिलाना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पे आए अपना काम छोड़ के कोई नहीं चाहता कि अपना काम छोड़े इतनी उनके हक के लिए लड़ाई करें और मैं जानती हूँ कि हक की लड़ाई चल रही है बट पॉलिटिकली और क्या कहते हैं आप पॉलिटिकली ले लीजिए या आप अपना एडवोकेट के हिसाब से आप हमारे साथ खड़ी हुई और हम इस काम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है धन्यवाद आपका भी धन्यवाद सभी किन्नर किन्नर बहनों का धन्यवाद ये देखिए यस यस यहाँ हाथ लगाइए ना ईशा जी ओके मैम थैंक्स मैम अब करो ओके थैंक्स सर थैंक्स मैम हेलो इनवाइट एसएमएस करो ओके मैम वो देखता हूँ
और आगे अमन ओके थैंक यू आप इसके कितनी करेंगे छोटे वाले का हां यस आई आई मैडम यस सामने साहब दिनेश भाई दिनेश भाई ग्रुप फोटो ले लो एक ओके सर चलो मैम मिल गया थैंक यू मैम अरे आगे मत जाओ भाई आते रहिए आप लोग आते रहिए या देखिए और आओ एक एक आओ समीना पारस अभी सेल्फी लेनी है पीछे आ जाओ एक एक करके आ जाओ एक एक करके आओ मैंने ग्रीन निकाली आपके एक्चुअली बहुत सारे कॉजेज और इनिशिएटिव्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ लेकिन किन्नर समाज के बहनों के साथ पहली बार ऐसे एक इनिशिएटिव में जुड़ने का आज मौका मिला थैंक यू शगुन जी ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे जुड़ने का एक मौका मिलेगा मुझे लेकिन यहाँ आके प्राउड से ज़्यादा मैं थोड़ी दुखी हो गई हूँ ये सोच के कि एक इंसान को अपने हक के लिए कितना लड़ना पड़ता है तो मेरी भगवान से और मेरी इस समाज से यही उम्मीद है और प्रार्थना है कि इन लोगों को इनका हक मिले जैसे बाकी दो जेंडर्स हैं वैसे ही हमारे ये थर्ड जेंडर के बहनों को जैसे वो रहना चाहते हैं वैसे उन्हें रहने का मौका दिया जाए उन्हें इंडिपेंडेंट रहने का इमोशनली फाइनेंशियली हर तरीके से रहने का हक है अगर हम उनको काम नहीं देना चाहते तो वो लोग कैसे अपने आप को फेंड करेंगे किस तरीके से रहेंगे किस तरीके से कमाएंगे ज़रा सोचने का वी हैव टू थिंक अबाउट दिस बहुत ज़रूरी है ये सोच और अगर इंसान आई डोंट नो मैं आई एम लॉस ऑफ वर्ड्स टुडे बिकॉज शगुन जी की यही यही एफर्ट्स हैं कि इन लोगों को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए सो आई थिंक अलॉन्ग विद माइक्रो नीडलिंग अलॉन्ग विद परमानेंट मेकअप इच्छा है उनकी खूबसूरत होने की वो कोशिश कर रही है कि ये लोग सीखे भी और इन लोगों को मेकअप की ज़रूरत होती है अपने आप को एक तरीके से दिखाने के लिए तो शायद इसके द्वारा वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने ये लोगों पे भी मेकअप करें पैसे कमाएं खुद पे भी करें लेकिन इससे ज़्यादा आफ्टर ऑल दिस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये समाज के जो हमारी बहनें हैं वो खुश रहे कोई ऐसे एक मिरेकल हो जो हो जाए ताकि इनको अपने हक के लिए इतना लड़ना नहीं पड़े बस इतना ही कहना चाहूँगी शगुन गुप्ता फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव किया वो कितना जरूरी मानती हूँ
आज यहाँ आने से पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई इनिशिएटिव हो सकती है। सच में मैं बहुत से इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ी हुई, जैसे मैंने अभी बताया वुमेन एम्पावरमेंट, पेटा फॉर एनिमल्स, निर्भया फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, मुंबई पुलिस, हर एक मतलब बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, जानवरों के लिए। लेकिन ऐसे कोई इनिशिएटिव हो सकती है मैंने सोचा ही नहीं, और ऐसी कम्युनिटी हमारे सामने है, हम इन लोगों को देखते हैं और मैंने सोचा नहीं। इस बात पे मुझे गम है कि मैंने क्यों नहीं सोचा, और आज थैंक्स टू शगुन जी मैं ऐसे इनिशिएटिव के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैंने चांदनी जी से वादा किया है कि जितना हो सके मैं कोशिश करूँगी इन लोगों के हक के लिए लड़ने के लिए, जितना हो सके। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी, बट आई विल definitely try to the best of my ability how to help them so that they get equal rights just like the other two genders. Thank you so much. शगुन मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह से इंसान आपने कहा कि बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आए, लेकिन ये इनिशिएटिव मैम वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो जब ईशा जी का नाम किसी इनिशिएटिव से जुड़ेगा तो आपको लगता है कि जो समाज है उनका हौसला भी बढ़ेगा इस चीज का, अगर थोड़ा सा आपके इनिशिएटिव के बारे में बताया? ये डेफिनेटली बहुत आपने कहा है कि ईशा जी अगर हमारे साथ जुड़ी है, शगुन गुप्ता फाउंडेशन के साथ, वो किन्नर समाज के लिए कितना प्रभावित होगा उनके लिए और कितना उत्साहदायक होगा। तो आज जैसे कि वो आए हैं और मैं देख रही हूँ कि किन्नर समाज जो है उनके उनके उनकी जो हंसी है, उनके अंदर जो गुलाब खिल रहे हैं देख के कि हमारे साथ ईशा जी बैठी हैं, तो आई थिंक कह सकते हैं कि इसका काफ़ी इम्पैक्ट गिरेगा, गहरा इम्पैक्ट गिरेगा, और इन्हें उत्साह और मिलेगा। उत्साह मिलने से इंसान आगे बढ़ता है, करे जाता है, फाइटर बनता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ईशा जी की भी, वो आज उनको ये बहुत एक टची फीलिंग आ गई है यहाँ आने से। और रही किन्नर समाज की बात, शगुन गुप्ता फाउंडेशन जो है वो बहुत ऐसे जगह पर जाकर पहुँचती हैं जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता है। तो हम ऐसे जगह पे जाकर हमारी फाउंडेशन काम करती है जहाँ पे बहुत दुख है। आज जैसे कि बताया गया है कि हमारी इन बहनों को राइट्स नहीं मिल रहा है, इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है इक्वल राइट्स? वो भी ऐसे ही इंसान है जैसे हम हैं, हमें भी सेम दर्द होता है, उन्हें भी सेम दर्द होता है। वही खून उनकी रगों में बह रहा है, वही खून हमारी रगों में बह रहा है। फिर क्या कारण है जो उनको इस तरीके से समाज में असम्मान दिया जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें नौकरियों पे नहीं रखा जा रहा है, हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ से उन्हें उन्हें इलाज के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, निकाल दिया जाता है, और कई तरह के कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। बहुत ही तकलीफ वाली बात है, और हम सबको एज आम जनता को ये सोचना चाहिए और इनके लिए खड़े होना चाहिए, और हमारी इन बहनों को समाज में इक्वलिटी का, इक्वल होने का एहसास दिलाना चाहिए। 2014 में ट्रांसजेंडर के ऊपर एक एक्ट पास हुआ था जो आज भी अधूरा पड़ा है, और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके ये इस एक्ट के ऊपर बात करें और हमारी गवर्नमेंट से दरखास्त करें कि इनको इनका एक्ट पास किया जाए और इन्हें सम्मान दिया जाए, और जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी को आगे हमारे साथ मिलके खुशियों से जिए, ताकि हम सब एक रहें और एक्सेप्टेंस हर एजुकेशन में मिले, जो कि एजुकेशन ना मिलने की वजह से आज ये लोगों को भीख मांगनी पड़ती है या बुरे काम करने पड़ते हैं, और छोटे छोटे पैसों में। आप सोचिए और समझिए कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो कैसा लगे, आपकी खुद की बेटी के साथ ऐसा हो, ये शायद अगर आम जनता जाने कि खुद की बेटी, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं। इनके साथ 10-10 लोग बलात्कार करते हैं, हमारी बेटी निर्भया के साथ एक चीज़ हुई तो पूरी जनता, पूरा देश खड़ा हो गया, बट इनके साथ तो रोज होता है, कौन खड़ा होता है इनके साथ? सो दिस इज़ हाउ शगुन गुप्ता फाउंडेशन वॉन्ट टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स वेयर पीपल आर नॉट गेटिंग द इक्वल राइट्स एंड नॉट गेटिंग
the education, not getting the you know food opportunity, anything, whatever it is. तो आज हमें एक किन्नर समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आगे हमें और कुछ मिलेगा तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे. पर शगुन गुप्ता फाउंडेशन पीछे नहीं हटेगी चाहे कुछ भी हो जाए. देखिए, सरकार से हमारी बात चालू है. अभी जल्दी ही में हमने आवाज़ उठाया था कि हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में मेल फीमेल वार्ड होता है, ट्रांसजेंडर वार्ड होना चाहिए. माननीय आरोग्य मंत्री जी ने फीमेल वार्ड की तरह ऐसे ही ट्रांसजेंडर वार्ड भी घोषित कर दिया है, जीआर निकाला है. सेम अभी हाउस में डिप्टी सीएम अजीत पवार जी ने आवाज़ जो निकाला, जो हमारे लिए बेसिक चीज़ होती है, हमारी राशन कार्ड, आईडी, पेंशन, उसके लिए भी उन्होंने बात उठाया है. मैं आज शगुन फाउंडेशन के बारे में एक ही बात बोलूँगी, वो समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा बात होगी. हमने महाभारत देखा होगा, महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण जी खुद उपस्थित होके वहाँ पे द्रौपदी को साड़ी देकर, साड़ी भेंट देकर उनकी इज्जत को बचाया था. आज उसी तरीके से आज शगुन फाउंडेशन हमारे पूरे किन्नर समाज को साड़ी भेंट देकर हमारी इज्जत की लड़ाई के लिए आज सामने आई है. उनके साथ साथ उनके ईशा कोपिकर जी, मैं इनसे निवेदन करूँगी कि यह प्रेम, यह भेंट हर समय हर साल रखिएगा. और हमारे समाज के लिए आपके एक प्रयास से हमारी पूरी बहनों के जो चेहरे पे हंसी है, गुलाब है, वो तो पूरे साल रहेगा. जय हिंद, जय महाराज. सवाल है, सिस्टम में लड़ाई लड़ने के लिए हमें सिस्टम में उतरना पड़ता है, तो क्या इस तरह की तैयारी और क्या ट्रांसजेंडर को वहाँ पर उतरना चाहिए? पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ. नहीं, पॉलिटिकल्स नहीं है. मेरा नाम चांदनी शेख है, त्रिवेणी समाज विकास केंद्र, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ मैं. 2004 से मैंने काफ़ी सरकार से लड़ रहा हूँ किन्नर बहनों के लिए, होम सेंटर के लिए, घर के लिए. ऐसा देखा जाएंगे तो आंध्र प्रदेश साउथ में 5 स्टेट है, 5 स्टेट में हर एक किन्नर के लिए घर है, रेशन है, पेंशन है, सब है. महाराष्ट्र सरकार आज तक हमारे लिए 70 पर 5 साल हो गया आज देश आज़ाद होके, महाराष्ट्र के अंदर आज तक किन्नर बहनों के लिए कोई एक्शन नहीं लिया. मैंने 2004 से लड़ रही मैंने होम सेंटर किन्नर बहनों के लिए. हमें इतना दिक्कत होता है, हम लोग भाड़े के घर में रहता है, हमारा कभी डेथ हो जाता है तो घर वाले लाने नहीं देते इधर. घर वाले हम वहाँ से हॉस्पिटल से वहीं अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं. काफ़ी दिक्कत है हमारे को. अच्छा, मेरा पॉलिटिक्स उतरने से, जब सरकार हमारा जो फंड है तो वो जो फंड है हमारे किन्नर बहनों के लिए पहुंचेंगे तो वो बहुत हो गया. तो मिले पहले, पॉलिटिक्स बाद में ना. पॉलिटिक्स बाद में है, पहले सिस्टम में हमें हक मिले, पॉलिटिक्स तो बाद में आ गया. पहले हक तो मिले, पहले हमारा जो किन्नर बहनों का हक है वो तो मिले, बाद में पॉलिटिक्स. नहीं, देखिए, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात किन्नर समाज में सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जब आप एक एज एन किन्नर जन्म लेते हो किसी परिवार में, तो माँ बाप आपको घर से निकाल देते हैं या एक्सेप्टेंस नहीं रहती है. ये एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि माँ, जिसके लिए एक माँ एक शब्द खाली माँ नहीं है, माँ का मतलब है आपका वजूद. जब आपके घर आपका परिवार आपको ठुकरा देता है और आप माँ एक जननी है, माँ एक मतलब माँ एक ताकत है, एक शक्ति है. जब आपके घर में इस तरह का कोई बच्चा पैदा होता है, मैं चाहूँगी कि परिवार में अगर ऐसा बच्चा है और ऐसी कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज है, तो परिवार को गठबंधन की तरह उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए. मैं परिवार से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ जहाँ पे आपको लगे कि वो किन्नर है, तो उसे एक्सेप्टेंस पूरी मिले और किसी भी माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए. अगर ये चीज़ हमारे देश में एक्सेप्ट हो जाए, तो आई थिंक किन्नर समाज में ये दुविधा और ये दुख नहीं आएगा. बट अगर ऐसा होता भी है, तो आगे हमारा देश बैठा है उनको संभालने के लिए. हम देश अपने समाज से, अपने पॉलिटिकल भाइयों से यही कहना चाहेंगे, मिनिस्टर से यही कहना चाहेंगे कि इनके लिए इनका एक्ट पहले जो 2014 में
उठाया गया था, जिसके बारे में घोषित किया गया था, उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया जाए और इनको एक सही, उनको एक उत्साह मिले उससे, तो ताकि ये फाइट कर सके। और रही बात आपके पॉलिटिक्स की, डेफिनेटली जो दिमाग हमारी किन्नर बहनें रखती हैं, जो आर्ट उनके अंदर है, वो शायद आम आदमी में भी नहीं है। तो अगर वो पॉलिटिक्स में उतरती हैं तो डेफिनेटली उनके पास काफ़ी इंटेलिजेंसी है देश को चलाने के लिए, डेफिनेटली उनको आगे आना चाहिए और हमें उसे एक्सेप्ट करेंगे सभी। और आज की डेट में जजेस हैं, आज की डेट में हमारे पास सामने बैठे वकील हैं, तो किन्नर समाज प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, बट कुछ पिछड़ा किन्नर समाज है जो अभी आगे नहीं बढ़ा है। हम उनके लिए यहाँ आवाज़ उठाने आए हैं कि वो हमारे साथ जुड़े और अपने आप को अपलिफ्ट करें, क्योंकि बहुत सारे किन्नर लोग हैं आज भी जो परिवार में रहकर भी काफ़ी आगे तक पहुँचे हैं, बट ये जो एक परिवार है यहाँ का किन्नर समाज में जो पिछड़ा हुआ है, जो अभी भी अपने आप से ऊपर नहीं पहुंच पाया है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आज आई थिंक कुछ ही समय बाद 2-4-5 साल में डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये पहुंच जाएंगे। या मेरा सवाल ईशा से है, ईशा बॉलीवुड बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाती है, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, पर ऐसा लगता है कि जो रियल मुद्दे पर बात करने की बात आती है, जो एक रियल इनकी जर्नी है, वो अभी भी बच बच कर बॉलीवुड दिखाता है, पूरी तरह से कुछ चीज़ को खुलासा नहीं करता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप खुद पर्सनली आते हैं? आई थिंक जिस तरीके के सब्जेक्ट्स आजकल बन रहे हैं एंड जो कंटेंट आजकल बन रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इन पे भी और इनकी ट्रू लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं उस पे बनना चाहिए। बट इससे ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि इससे इनका क्या फ़ायदा है, मैं बस यही चाहूँगी कि इनका कुछ फ़ायदा हो बस। लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत से टॉपिक्स है, बहुत कंटेंट है, उससे इनका क्या फ़ायदा है? पर ये माना जाता है कि बॉलीवुड की जो फिल्में बनती है, ये कहा जाता है कि जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के सोच में फर्क लाता है, तो इसकी वजह से इन चीज़ों से अगर फिल्में बने तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा कि शायद लोगों की थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं चेंज होगा। अगर थॉट प्रोसेस चेंज हो और अगर उनको उससे इनको फ़ायदा है तो ज़रूर, बट इट हैज़ टू बी कॉल टू एक्शन, दैट्स ऑल। अगर मुझे इस बात की गारंटी है कि कोई 100% फ़ायदा होने वाला है, तो मैं ज़रूर मेरे फ्रेटर्निटी से अपील करूँगी कि ऐसे कोई एक सब्जेक्ट पे ट्रू लाइफ, जो इनकी एक्सपीरियंसेस है और इनकी जो दुविधा है, इनकी जो लाइफ है, इसके ऊपर आप एक स्टोरी बनाएं। ज़रूर प्ले करना चाहूँगी इसमें कोई ना कोई किरदार, ऑफकोर्स आई वोंट बी एबल टू प्ले द ट्रांसजेंडर, बट somebody will have to play it, but I will definitely play some character in it. It's not about entertainment here, it's about how we can give them their rights, which is most important. That is what we have to address today, more than entertaining. Thank you. Aapko pooch चलो वीडियो हो जाएगा ना तो